हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज हजार्ड्स इन पाइपलाइनिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हजार्ड्स इन पाइपलाइनिंग। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हजार्ड्स पाइपलाइनिंग के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप स्टार मार्क कर लो क्योंकि सबसे फ्रिक्वेंटली आज जो टॉपिक है वो हजार्ड्स है पाइपलाइनिंग के अंदर, और यहीं पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो है वो मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हजार्ड्स इन पाइपलाइनिंग होते क्या है। हजार्ड मतलब प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इन पाइपलाइनिंग का फंडा क्या है कि हम पाइपलाइनिंग में हमेशा बात करते हैं कि सीपीआई जो है वो वन होना चाहिए, मतलब क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन कितनी होनी चाहिए, वन। यानी एवरी क्लॉक में, हर एक क्लॉक में एक इंस्ट्रक्शन मेरी बाहर आनी चाहिए एज ए आउटपुट। लेकिन ये इसको अचीव करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, और इसको अचीव करने में हमारे पास जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उनको बोलते हैं हम हजार्ड्स। तो बेसिकली डेटा हजार्ड है, स्ट्रक्चरल हजार्ड्स है और कंट्रोल हजार्ड्स है। इन तीनों हजार्ड की वजह से क्या होता है, डिले अक्कर होता है, और डिले की वजह से क्या होता है, हमारा सीपीआई वन नहीं आता, और उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं हमारा जो एम है कि हर एक क्लॉक पल्स में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने हैं कि कैसे हम इन हजार्ड्स को रिमूव कर सकें, कैसे इनको दूर कर सकें, लेकिन वो फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे डेटा हजार्ड की अगर हम बात करें, इनको फर्दर हमने डिवाइड किया है रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर रीड, राइट आफ्टर राइट, जिसको हम बोलते हैं ट्रू डिपेंडेंसी, एंटी डिपेंडेंसी एंड आउटपुट डिपेंडेंसी, और यहां पे स्ट्रक्चरल हजार्ड एंड कंट्रोल हजार्ड। तो सबसे पहले मैं डेटा हजार्ड के बारे में बताना जा रहा हूं। तो डेटा हजार्ड में हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं रीड आफ्टर राइट का। लेट्स से कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है R2 is equal to R2 plus R3, मतलब R2 और R3 का जो एडिशन है वो कहां पे सेव हो रहा है, R2 में जाके सेव हो रहा है, और यहां पे मैं R2 को यूज कर रहा हूं और उसको मैंने ऐड किया R4 से, और फाइनली रिजल्ट जो है R5 में। सिंपली हमने क्या लिखा है कि R2 और R3 रजिस्टर में जो डेटा पड़ा उसको मैंने ऐड करके R2 में डाला, और यहां पे मैं R2 को क्या कर रहा हूं, रीड कर रहा हूं। तो इसको बोलते हैं रीड आफ्टर राइट, मतलब यहां पे हम रीड कर रहे हैं R2 को और यहां पे हम R2 को राइट कर रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन वन के बाद इंस्ट्रक्शन टू जो है वो उसको रीड कर रही है, किसको, R2 की वैल्यू को। तो यहां पे डेटा हजार्ड जो है वो क्रिएट हो रहा है कैसे, ये देखो हमारे पास जनरली जो पाइपलाइनिंग है वो हम फोर स्टेज फाइव स्टेज पाइपलाइनिंग लेते हैं, वो आप कोई भी ले सकते हैं क्योंकि हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। कई बार आपको फोर पाइपलाइनिंग का क्वेश्चन आ सकता है, फाइव का आ सकता है। तो यहां पे अगर हम बात करें, लेट्स से हमारे पास फाइव स्टेज पाइपलाइनिंग है, तो फाइव स्टेज में पहली है इंस्ट्रक्शन फेच एंड डिकोड, दूसरी है लेट्स से हमारे पास ऑपरेंड फेच, तीसरी स्टेज है एग्जीक्यूट, चौथी स्टेज है लेट्स से मेमोरी, एंड लास्ट स्टेज है राइट बैक। तो ये हमारे पास जो स्टेजेस है, सबसे पहले लेट से मैंने आई वन इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया, तो आई वन इंस्ट्रक्शन को जैसे ही मैंने फेच किया, मतलब सबसे पहले मैंने आर टू और आर थ्री को इंस्ट्रक्शन को पहले फेच किया, इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद ऑपरेंड को यहां पे डिकोड किया, फिर ऑपरेंड को फेच किया, फिर हमने एग्जीक्यूट किया इसको, मतलब जो भी हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है, और अगर मेमोरी को हमने कोई एक्सेस करना बीच में तो मेमोरी के लिए हमारे पास है, और फाइनली राइट बैक, जो रिजल्ट आया उसको हमने राइट बैक कर दिया, मेमोरी के अंदर दोबारा डाल दिया। अब ऐसे ही लेट से I2 स्टार्ट होगी। I2 कहां से स्टार्ट होगी, पाइपलाइनिंग में हम क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट स्टेज जो है वो यहां पे I2 क्या करेगी, यहां पे फेच एंड डिकोड करेगी, फिर ऑपरेंड फेच करेगी यहां पे, फिर एग्जीक्यूट करेगी, और फिर मेमोरी, और फाइनली हमारे पास क्या आता है, राइट बैक। इस तरीके से जो है वो I2, फिर I3, I4, इस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन यहां पे देखो कि इसका मतलब क्या, R2 plus R3, और फाइनली मैं यहां पे R2 में सेव कर रहे हैं, मतलब R2 में हम राइट कर रहे हैं कुछ और यहां पे R2 में हम रीड कर रहे हैं। तो I2 में या I1 की अगर हम बात करें, तो I1 इंस्ट्रक्शन में R2 की फाइनल वैल्यू कब प्रिपेयर होगी, फाइनल वैल्यू कब आएगी R2 की, जब एग्जीक्यूट करने के बाद हम मेमोरी के बाद राइट बैक पे पहुंचेंगे, क्योंकि पहले हम इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, फिर ऑपरेंड को फेच किया, जो भी R2 और R3 के अंदर जो भी डेटा पड़ा है उसको फेच किया, फिर एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट में हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, उसके बाद मेमोरी की, ऑल्दो यहां पे मेमोरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम रजिस्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये स्टेज आइडल रहेगी, और जब राइट बैक करेंगे, राइट बैक का मतलब है जो R2 और R3 को ऐड करने के बाद जो आंसर आया वो हम वापस R2 में राइट कर देंगे, लिख देंगे। तो यानी
इस स्टेज के बाद इस पॉइंट पे आपको R2 की फाइनल वैल्यू मिलेगी। लेकिन हमने क्या किया, I2 इंस्ट्रक्शन को यहां पे स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पाइपलाइनिंग में हम क्या करते हैं, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। I2 ने क्या किया, इंस्ट्रक्शन फेच एंड डिकोड किया, इस क्लॉक पल्स में इंस्ट्रक्शन फेच एंड डिकोड किया, तो ठीक है इंस्ट्रक्शन फेच हो गई, ऑपरेंड को फेच किया। अब ऑपरेंड फेच का मतलब क्या है कि R2 की वैल्यू को फेच कर दिया, यहां पे R2 की वैल्यू को फेच कर लिया। लेकिन क्या यहां पे R2 की वैल्यू आ चुकी है फाइनल? नहीं, R2 की वैल्यू कहां पे आएगी, इस क्लॉक पल्स में आएगी। मतलब ये क्लॉक पल्स 1 है, ये क्लॉक पल्स 2 है, ये क्लॉक हमारी 3 है, क्लॉक 4 है, क्लॉक 5। तो क्लॉक 5 के बाद जाके R2 की फाइनल वैल्यू आएगी। लेकिन हमने क्या किया, क्लॉक पल्स 2 पे या 3 पे ही हमने क्या कर दिया, 3 क्लॉक पल्स पे ही हमने रीड कर ली R2 की वैल्यू, और क्लॉक पल्स 3 पे हमने क्या किया, 4 पे एग्जीक्यूट करने के लिए दे दिया। मतलब अब ये एग्जीक्यूट कर रहा है उसको, लेकिन ऑब्वियसली यहां पे एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है, गलत वैल्यू के ऊपर एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, रीड आफ्टर राइट। और ये एक्चुअल में डेटा हजार्ड का पार्ट है। तो ये हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाह रहा हूं कि डेटा हजार्ड बेसिकली अक्कर क्यों होते हैं। जब हम डेटा के ऊपर काम करते हैं तो अगर हम रीड के बाद राइट कर रहे हैं, या यहां पर अगर हम बात करें तो राइट यहां पर हो रहा है, उससे पहले ही हमने यहां पर रीड कर लिया, तो दैट इज व्हाई इट इज अ रीड आफ्टर राइट प्रॉब्लम। ऐसी अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल हजार्ड का मतलब क्या होता है, या कब अक्कर होती है, जब मल्टीपल रिसोर्सेज, मतलब हमारे पास जो है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस सेम रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं। रिसोर्सेज कौन से हमारे, लेट्स से प्रोसेसर है, मेमोरी है, रजिस्टर्स हैं, डिफरेंट मेमोरीज हैं, रैम है, कैश है, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एक ही टाइम पे क्या कर रही है, एक्सेस करने की कोशिश कर रही है। तो यहां पे हमारे पास जो है स्ट्रक्चर हजार्ड इस वजह से क्रिएट हो रहा है। जैसे इसी में एग्जांपल में हम बात करें तो देखो यहां पे मेरे पास राइट बैक है और मेमोरी, मतलब लेट्स से कि एक इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन यहां पे क्या कर रही है, राइट बैक, मतलब जो फाइनल आउटपुट है उसको हम राइट बैक कर रहे हैं। मैं इसका एग्जाम्पल नहीं ले रहा, मैं नॉर्मल एग्जाम्पल ले रहा हूं कि कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया हमने और उसको हम फाइनल रिजल्ट को राइट बैक कर रहे हैं। तो राइट बैक हम जनरली कहां पर कर रहे हैं, लेट्स से मेमोरी के अंदर, और यहां पर नीचे हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। तो राइट बैक भी कहां पे कर रहे हो, लेट्स से मेन मेमोरी में, और यहां पे मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहे हो, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एक्सेस कर रही है। तो दो अलग अलग इंस्ट्रक्शन एक ही टाइम पे मेमोरी को, मतलब सेम रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका स्ट्रक्चरल हजार्ड जो है वो अक्कर होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल हजार्ड। कंट्रोल हजार्ड जनरली अक्कर होता है ब्रांचेस की वजह से, ब्रांच कंडीशंस की वजह से। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं, फोर स्टेज पाइपलाइनिंग का ले लेता हूं मैं। इंस्ट्रक्शन फेच है, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, एग्जीक्यूट। सिंपल हमारे पास फोर स्टेज पाइपलाइनिंग है। इंस्ट्रक्शन को हम पहले फेच कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, ऑपरेंड फेच, और फाइनली हमने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। लेट्स से हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन आई वन है उसकी हम बात करें, तो I1 इंस्ट्रक्शन जो है वो लेट से कि एड्रेस नंबर 500 पे, मतलब मेमोरी के अंदर 500 एड्रेस में पड़ी है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं तो प्रोग्राम काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट हो जाता है। प्रोग्राम काउंटर हमेशा नेक्स्ट अवेलेबल इंस्ट्रक्शन के ऊपर पॉइंट आउट करेगा। अब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू यहां पर क्या होगी, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी 501 ऑटोमेटिकली। मतलब हमने ये वाली इंस्ट्रक्शन को फेच किया, यहां पर इंस्ट्रक्शन आ गई, वो अभी एक एक करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन 501 पे ऑटोमेटिकली प्रोग्राम काउंटर आ गया। अब यहां पे हमने क्या किया, नेक्स्ट क्लॉक पल्स में, जैसे ये पहली यहां पे हुई उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक पल्स में हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शन फेच कर दी, कौन सी, 501 में जो पड़ी थी। तो 501 वाली इंस्ट्रक्शन फेच किया, इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया, ऑपरेंड को फेच किया, और लेट से हम यहां पर क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ध्यान से देखना, आई वन अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई। आई वन यहां पर इंस्ट्रक्शन को हमने यहां पर फेच किया, मतलब इस क्लॉक पल्स में हमने उसको फेच किया, सेकंड क्लॉक पल्स में डिकोड, थर्ड क्लॉक पल्स में ऑपरेंड फेच, फोर्थ में हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन यहां पे सेकंड क्लॉक पल्स में ही हमने सेकंड इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया, लेट्स से थर्ड को भी फेच कर लिया, 502 में जो पड़ी थी उसको भी मैंने फेच कर लिया, उसको मैं डिकोडिंग पे लगा देता हूं, लेट्स से उसको मैं क्या कर रहा हूं, ऑपरेंड को फेच कर रहा हूं, और उसको भी आगे जाके लेट्स से एग्जीक्यूट करेंगे। जस्ट सिंपली मैं यहां पर लिख रहा हूं, मतलब मैंने थर्ड क्लॉक पल्स पे तीसरी इंस्ट्रक्शन को भी फेच कर लिया, ऐसे ही मैंने नेक्स्ट क्लॉक पल्स में क्या किया, फोर्थ को भी फेच कर लिया। लेकिन यहां पे एग्जीक्यूट, देखो यहां पे फोर्थ क्लॉक पल्स में ही एग्जीक्यूट हो गई, और लेट्स से कि एग्जीक्यूट होने के बाद ये एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन थी और इसने एड्रेस दे दिया
700, मतलब आपको जो 700 एड्रेस में जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है उसको एग्जीक्यूट करना है, लेकिन आप तो एक एक करके नेक्स्ट करते जा रहे हो, तो इस केस में होगा क्या, इस सारे को आपको फ्लश करना पड़ेगा, मतलब पूरी की पूरी ये जो वैल्यूज है ये आपकी किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है जो 700 लोकेशन में पड़ी है। तो ये एक्चुअल में किसका पार्ट है, कंट्रोल हजार्ड का, जो जनरली ब्रांच कंडीशंस की वजह से अक्कर होती है। थैंक यू।